देखिए जो बिटिया है योगिता सिंह और पलक, उसके पिता श्री जसकरण सिंह जी द्वारा ये पूरा एक ड्रामा रचा गया था, जिसके संबंध में पूरी ब्रीफिंग पीपीटी के माध्यम से सारी सीसीटीवी फुटेज इत्यादि दिखाते हुए और सारे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दिखाते हुए सभी के बयान दिखाते हुए आप लोगों को की जा सकती है। इसमें पूर्ण प्रकरण ये है कि जो इनकी बड़ी बिटिया है उसने एक व्यक्ति से शादी की थी, उसी सिपाही से, वो व्यक्ति सिपाही है पीएसी में, उसी सिपाही से इनकी छोटी जो पत्नी की छोटी बहन है, इनकी छोटी साली साहिबा जो है वो भी शादी करना चाहती थी। छोटी साली साहिबा इनके साथ में ही रहती हैं। उन छोटी साली साहिबा के द्वारा उस सिपाही पर एक मुकदमा लिखाया गया था बलात्कार का, जिसमें वो जेल भी गया था। उस बलात्कार का मुकदमा लिखाए जाने के उपरांत इनके द्वारा उस व्यक्ति पर धमकी देने का भी एक मुकदमा लिखाया गया था। उसी व्यक्ति के, उसी अपने ही दामाद के छोटे भाई को पुनः फंसाने के लिए इनके द्वारा ये पूरा जाल रचा गया था, जिसमें इनके द्वारा 12 तारीख को लड़की का जाना पूरनपुर को दिखाया गया था, पूरनपुर से गढ़वा खेड़ा जाने के लिए बताया गया था, लेकिन वहां पर जो लोकल इंक्वायरी की गई उसमें ये पुष्ट हुआ कि बिल्कुल नहीं गई है। और इनके जो किराएदार हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके द्वारा 15 तारीख को लड़की को यहीं पर देखा गया था। जो इनके दूसरे मित्र साथ में खड़े हुए हैं, डॉक्टर रामचंद्र, डॉक्टर बताते हैं अपने आप को, लेकिन ये फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं और पहले कुछ चुनाव इत्यादि भी लड़ चुके हैं। ये जो जसकरण सिंह जी हैं ये एक सिद्धिविनायक कॉलेज है उसमें मार्केटिंग का अपने को काम बताते हैं, लेकिन इनका मूल काम लड़कों को पैसे देकर एडमिशन कराने का था। उसी संबंध में डॉक्टर रामचंद्र से परिचय में आए थे, इनके द्वारा ये पूरी एक घटना रची गई। 16 तारीख को इनके द्वारा इन्हीं डॉक्टर रामचंद के घर पर लड़की को रखा गया। लड़की 17 तारीख को एक भंडारे में भी गई थी, जिसकी पुष्टि वहां पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य लोगों के बयान से भी हुई है। इसमें मूलतः प्रकरण यही सामने में आया है कि जो इनके दामाद हैं, जिनसे इंटरकास्ट मैरिज इनकी लड़की की हो गई थी, उसी को फंसाने के लिए और उसके परिवारजनों को फंसाने के लिए इनके द्वारा ये पूरा ड्रामा रचा गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।